हाँ मैंने कुछ सबमिट कर गया, बोलने तो दिल था लेकिन कोई नहीं मिल रहा है, तो एक बुढ़ा वाला ऐसा कैंपचू में ऐसा चल गया था, आप इंडियन है बोला था, हाँ वाला मैंने सबमिट कर लिया होता, वो भी पूरा खुश से आया, गले लगाया दोनों, वाह आपने सबमिट कर लिया, वाह ग्रेट ग्रेट, हम लोग भी जा रहा है। समिट पहुंचने का बाद तो माय गॉड, मतलब कुछ वर्ड्स ही नहीं है, अलग से बाल खड़ा हो, रोंगटे अपना आप खड़ा होता है, एक कॉन्फिडेंट लेवल इतना भर के आते हैं कि हाँ मैंने कुछ किया है। एवरेस्ट क्लाइम करके आने का बाद जब वापस आया, पूरा का पूरा एरिया पूरा गाड़ी से भरा हुआ, लोगों से भरा हुआ, वो सब देख के लग रहा कि मैं भी कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन बन गई हूँ। गवर्नमेंट से अभी तक कुछ नहीं हुआ, 6 साल हो चुका है, जॉब देने का बात है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग खुद को बोलता कि आप लोग खुद फाइल लेके दौड़ना चाहिए, बोलना चाहिए। उसके बाद फिर फायर एक्सीडेंट जिसपे घर सामान वामान इक्विपमेंट सब जल गया, उस समय मेरा सर्टिफिकेट सब जल गया। यहाँ पे 28 ट्राइब्स है नॉर्थ ईस्ट में, जितना भी यहाँ का जो लोकल्स जो मदद कर सकता वो आके घर वर बना देना, एक दिन टाइम निकल के कर देना, ये चीज़ अभी भी है हम लोग के अंदर में। काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला तो फिर मैंने घर खड़ा किया। एवरेस्ट क्लाइम करके आने का बाद तो और ज़्यादा रेस्पेक्ट बढ़ गया, तो हर कोई ये उम्मीद करता है कि हम कुछ करने वाला है, या अभी जैसे भी यूथ लोग हैं उनको भी थोड़ा इंकरेज करेगा होगा, मतलब काफ़ी लोगों का उम्मीद है मेरे ऊपर, कुछ भी करो कर लेगा आप ना, तो लगता है कि हाँ मैं किसी को डिसीजन दे सकती हूँ या किसी को आगे ले जा सकती हूँ। माउंटेन्स के बारे में क्लाइम कैसा करना है, कैसा चलना है, कैसा बोलना है, जंगल में शोर शराबा कैसा नहीं करना है, स्विमिंग कैसा करना है, ये सभी के बारे में मैं यहाँ पे कुछ उन लोगों को सिखाती हूँ। जहाँ से मुझे थोड़ा फंड मिलता है उससे मैं उन लोगों का सब डिवाइड करता हूँ, अगर पैसा भी बच भी जाता है तो उन लोगों को कोर्स में भेजती हूँ, किसी को राफ्टिंग में, किसी को माउंटेनिंग में, ऐसा करके अभी काफ़ी लोग मेरे सपोर्ट में हैं। यही लोग ही कल और किसी को भी सिखा भी सकता है और लोग आ भी सकता है। हम लोग तो हर टाइम कहीं पे भी एंजॉय करना शुरू कर देता है, मस्ती करना शुरू कर देता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में मतलब जो स्पेशली हम लोग ट्रैवल वाला उसकी घर पे कहीं पे भी जाओ आपको बहुत प्यार से खाना वाना खिलाएगा, ये दारू दारू तो मोस्ट है लोकल राइस भी है, वो तो आपको फुल पिला के ही छोड़ेगा, वो लोग बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं, तो बहुत घुल मिल के रहते हैं। हम तो लड़का लोग को वही बोलते हैं किसी से झगड़ा करके क्या फ़ायदा ना, आप जितना हो सकता है उनको दे सकता है तो दो, वो आदमी भले आपको नहीं दे लेकिन कहीं और से आपको मदद जरूर मिलेगा।